हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मज़ेदार रेसिपी चिकन है, जो कि होल चिकन मैंने एयर फ्रायर में बनाई है। एयर फ्रायर में चिकन बनाने के लिए मैंने होल चिकन लिया और उसके लिए आधा प्याज, दो तीन जो है लहसुन के चॉपर में डाल के रखती है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सूखा धनिया और एक हरी मिर्च तीखी ली है। हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा लेमन जूस डालकर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अच्छा सा मिक्स कर लेना है मैंने। अगर आपके पास लेमन है तो आप एक लेमन का जूस भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और अब मैंने चिकन में थोड़े से मैंने कट लगा लेने हैं, ये देखें जैसे आप मैं लगा रही हूँ, ताकि ये मसाला इसके अंदर तक चला जाए। अब मैं सबसे पहले ये मसाला मिक्स करूंगी सारा। अच्छा सा मिक्स होने के बाद अब मैंने चिकन में अच्छी तरह मसाला लगाना है। ये देखिए मैंने कर्ब्स के अंदर तक भी मसाला लगाया है, ताकि हमारी जो चिकन का जायका है वो और ज़्यादा उम्दा हो जाए। और मैंने अच्छे से इसको देखिए मसाला लगा दिया है। आखिर में मैं देसी घी इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी, अगर आपके पास बटर है तो वो भी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। घी या फिर बटर डालने से इसका जायका बहुत मज़े का और खुशबूदार बनता है। अब मैंने 4 घंटे के बाद चिकन को एयर फ्रायर फोक में, मतलब उसकी जो स्टिक होती है उसके अंदर, उसको मैंने अच्छे से टाइटली रख दिया है। अच्छे से टाइट करने के बाद हमारी चिकन अच्छे से फिक्स हो चुकी है। अब ये हिलेगी नहीं, लेकिन अभी इसकी टांगों में हम रबर बैंड की मदद से अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे दोनों टांगों को। और देखें आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेडी हो चुकी है एयर फ्रायर में जाने के लिए। अब मैंने एयर फ्रायर को ऑन करने से पहले इसमें चिकन रखती है और अब मैंने इसको ऑन कर दिया है तकरीबन 18 मिनट्स के लिए। 200 डिग्री पे रख दिया है मैंने इसको। आप देखें ये कितनी अच्छे से खुद ब खुद राउंड राउंड घूम रही है और अच्छे से ये बन रही है। अभी भी चिकन को 13 मिनट चाहिए। बस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की और हेल्थी बनती है। सारा इसका जो फैट है वो रिड्यूस हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला बनता है। लीजिए हमारी चिकन रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन बनी है। आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने थोड़े से साथ में चिप्स रखे हैं, एक दो सॉस रखी हुई है और इनको आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त चिकन लग रही है इनके साथ। चिकन के रेडी होने के बाद मैंने चिकन के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था, क्योंकि चाट मसाले की वजह से चिकन और चटपटी और मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये मेरी अच्छी सी और न्यू रेसिपी आपको कैसी लगी। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये हमारी चिकन गल चुकी है और इसका मसाला अंदर तक जा चुका है। आप जब बनाएंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की बनी है। मुझे उम्मीद है जैसे आप मेरी दूसरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और पसंद करते हैं, व्यूज़ करते हैं इसके, इस वीडियो के भी उसी तरह आप बहुत ही अच्छे से कमेंट्स करेंगे और इसको लाइक करेंगे। मेरी तमाम वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और व्यूज़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।